Students of 10th class, in the previous video we have discussed the pollution caused by the industries. In today's question, we will discuss what are the steps taken to minimize the environmental degradation caused by the industries. आज की इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि जो इंडस्ट्रीज हैं इनसे जो एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है तो इस पोल्यूशन को कम करने के लिए कौन कौन से इकदाम उठाए जा रहे हैं. क्वेश्चन इज वंस अगेन आई विल डिस्कस योर क्वेश्चन. डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल degradation by industry. Its answer is some steps taken to minimize environmental degradation include number one, minimizing used water for processing by reusing and recycling. In the manufacturing sector, industries use huge amount of water, but during this process water becomes polluted. So in order to minimize this pollution of water, industries reuse and recycling water. Yani pani ki jo aalogi hai isko kam karne ke liye jo industries hain unko reuse dobara istemal karna chahiye और रिसाइकलिंग करना चाहिए ताकि जो वाटर है पानी है इसकी जो पोल्यूशन है वो बच जाए, यानी पानी साफ और पाक रहे. सेकंड स्टेप इज हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स. यानी जो इंडस्ट्रीज हैं ये पानी को ज्यादा से ज्यादा पोल्यूट करती हैं, गंदा करती हैं, तो अब पानी बचाने के लिए और पानी का मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए. इसके अलावा रेन वाटर जो है इसको हार्वेस्ट करने की भी बहुत जरूरत है. द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन दैट इज NTPC हैज टेकन फॉलोइंग स्टेप्स. नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन वन ऑफ द लीडिंग कॉरपोरेशन विच इज जनरेटिंग पावर in India has also taken some steps in order to minimize the environmental degradation. These steps include number one, optimize equipment utilization and upgrade the existing facilities. Jo NTPC hai iske jo isne jo steps bataye hain माहौल को बचाने के लिए उसमें उसने एक रिकमेंडेशन ये दी है कि हमें हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, औजार हैं, मशीनरी हैं, इसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, इसमें थोड़ा जिद्दत लानी चाहिए, निखार लाना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए. यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. सेकेंड स्टेप इज minimizing waste generation and maximizing the use of wastes like ash from power plants. जो ये power plants हैं इनसे निकलने वाला जो राख है, क्योंकि जब industry कहीं पर चलाई जाती तो इससे जो wastes निकलता है, गंदा मवाद या फुजला या ऐश, तो इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए. और जो निकलता है यहाँ पर फुजला इसका दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए. थर्ड स्टेप इज रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू एश एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. यानी ऐसा निजाम बनाना चाहिए कि जो एश और लिक्विड वेस्ट एक इंडस्ट्री से निकलती है इनका मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए और कम से कम फुजला और ये ऐश एक इंडस्ट्री से निकलना चाहिए. फोर्थ स्टेप इज इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग.
दैट मीन्स देयर शुड बी सम एजेंसीज विच शुड मॉनिटर द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रीज एंड दैट कमिटी शुड सजेस्ट सम मेजर्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रीज। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से हमने आपका जो ये चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से याद भी करेंगे और अपने जो नोटबुक है उस पर इसको नोट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।